भारत की वन ऑफ द मोस्ट इनोवेटिव स्टार्टअप कंपनी में से एक लॉन्ग नाइन मटेरियल्स ने फाइनली बेंगलुरु में अपनी काफी अच्छी खासी सेल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी उद्घाटन कर दी है। और आपको बता दें कि ये वही सेम कंपनी है जो भारत का पहला एल्यूमिनियम बेस्ड सेल टेक्नोलॉजी दैट मीन्स हाइड्रोजन फ्यूल सेल वाले व्हीकल्स पर भी काम कर रही है। अब बात करते हैं इनके बेंगलुरु की फैसिलिटी की। यहाँ पर अब ये लोग बनाएंगे इंडिजिनियसली डेवलप्ड सेल और साथ ही में कंपनी का भरोसा है कि इनिशियली 50 मेगावाट की पीक आवर होगी, बट मात्र 3 से 5 साल के भीतर ये पहुंच जाएगा सीधा 5 गीगावाट आवर्स। तो आप सोच सकते हो कितनी हाई कैपेसिटी ये होने वाली है फ्यूचर में। उन्होंने कहा कि हमारे सेल्स बहुत ही ज्यादा यूनिक है बिकॉज सबसे पहले तो ये रैपिड एग्स प्लेटफॉर्म पर आधारित है, मतलब 15 मिनट्स में आपकी टू व्हीलर इलेक्ट्रिक स्कूटर चार्ज हो सकती है। अभी आमतौर पर आपने देखा होगा कि पेट्रोल की लाइन में ही लोगों को 15 से 20 मिनट लग जाते हैं, कभी कभी इनफैक्ट इससे ज्यादा भी लग जाते हैं, बट ये इलेक्ट्रिक स्कूटर तो मात्र 15 मिनट्स में चार्ज कर देगी आपकी बैटरी। इनकी रैपिड एक्स बैटरी टेक्नोलॉजी तो 15 मिनट्स में चार्ज कर देगी पूरी बैटरी। वैसे इन्होंने स्पेसिफिकली इंडिया को ध्यान रखते हुए बेस्ट सूटेड इंडियन ऑपरेटिंग कंडीशंस, फिर क्लाइमेट और कस्टमर्स, इन सब को ध्यान मद्देनजर रखते हुए डिजाइन किया गया है, इसलिए भारत के लिए ये वन ऑफ द बेस्ट बैटरी भी बताई जाती है। कूल फीचर्स बताएं तो चार्जिंग इसकी नॉर्मल बैटरी से तो 9 गुना फास्ट होती है। बेटर परफॉर्मेंस के साथ साथ इनकी बैटरी की लाइफ भी इतनी ज्यादा है कंपेयर टू एनी अदर बैटरी, ये सब में आउटस्टैंड कर जाते हैं। ऑलमोस्ट 15,000 साइकिल्स अगर साल में बात करें तो 15 साल के यूसेज का ये लोग क्लेम करते हैं। और वहीं आपने देखा होगा अक्सर बैटरीज कुछ साल बाद फिर डिग्रेड होने लगती है। सो इनफैक्ट कंपनी ने खुद सर्टिफाई करके हुए कहा है कि फॉर लेस देन 3% डिग्रेडेशन इनकी बैटरी का है। सो लास्ट माइल डिलीवरी के लिए ये तो बेस्ट सॉल्यूशन है। अब 15 मिनट्स हमारे हो गए टू व्हीलर्स के लिए, वहीं थ्री व्हीलर्स के लिए ये होगा 40 मिनट्स। और होपफुली आने वाले समय में ये लोग फोर व्हीलर्स के लिए भी इस तरह की एडवांस बैटरी डेवलप कर सकते हैं। वैसे ये लोग एल्यूमिनियम सेल भी जो डेवलप कर रहे हैं, इसके बारे में कूल फैक्ट में आपको बता दूं कि पूरे दुनिया में सबसे पहले यूएस ने फॉर मिलिट्री और स्पेस एप्लीकेशन के लिए एल्यूमिनियम सेल के कंसेप्ट को लाया था। फिर उसके बाद से काफी सारी देश विदेशों की कंपनी जिसमें लॉग नाइन भी शामिल है, ये लोग एल्यूमिनियम को रिप्लेनिश करने लग गए टू यूज इट एज अ फ्यूल। सो दिस इज एंड फॉर दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।